हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चों कैसे हो? टुडे वी विल डिस्कस क्लास 6 साइंस। टॉपिक इज चेंजेस अराउंड अस। ये बच्चे दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। टुडे इज द 8th वीडियो एंड दिस इज द लास्ट वीडियो। हमने इस चैप्टर में पुरानी वीडियोस में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। व्हाट इज चेंज, व्हाट आर द कॉमन चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन नेचर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस में हमने 6 चेंजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नेमली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज, नेचुरल एंड मैनमेड चेंज, स्लो एंड फास्ट चेंज, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। एंड टूडे इज द लास्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द लास्ट चेंज दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आज हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करना है और ये हमारी लाइफ में यूज होता है। हम देखते हैं, मतलब आप लोगों को भी, अब बच्चे हो आप लोगों को पता नहीं, पर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में कि कैसे हम इसको यूज होता है ये, ठीक है। अब एक्सपेंशन क्या होती है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, पहले सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है। सो एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो गर्म होने से उसका साइज बड़ा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर साइज बड़ा हो जाता है गर्म करने से, उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। आपके 6th क्लास में, आपके सिलेबस में ये मेटल्स के साथ डिस्कस हो रहा है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो मैं आपको एग्जांपल दूंगी वो भी मैं आपको मेटल्स की ही दूंगी, ठीक है। आगे है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्सपेंशन से फूल जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन से, कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर कूल्ड आफ्टर हीटिंग। एक बार गर्म करने के बाद में जब उस चीज को ठंडा किया जाता है तो फिर वो अपना नॉर्मल साइज में आ जाता है, श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमारी कैसे यूज होती है। आपने जितने भी देखा होगा, आपके जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे वुडन इक्विपमेंट्स, इनके बीच में मेटल लगी होती है, तो वो कैसे फिक्स होता है उस चीज में हमारे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो अभी आपको मैं लाइव एग्जांपल इसकी दिखाऊंगी, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, उसमें ये यूज होता है। जैसे आपकी हैमर हो गया, सॉ होगी, एक्स होगी, या आपकी बुक में बना हुआ वो उसमें व्हील में हो गया, वुडन पीस अटैच कर रहे हैं, तो ऐसी जो चीजों में होता है जहां पे मेटल और वुड इकट्ठा लगता है और आप देखते हो वो खींचने से भी नहीं वो सेपरेट होता, उन केसेस में हम इसको यूज करते हैं। सो ठीक है, अब फटाफट मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ लाइव। ये हमने एक हैमर बनाना है, तो हैमर कैसे बनता है? पहले हमने एक वो लिया, आयरन का पीस लिया, हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाना है हैमर के आगे जो लगा होता है वो, उसको हम हीट कर रहे हैं। अभी उसको हीट कर रहे हैं, हीट अच्छे से होने दो उसको, जो आयरन पार्ट है उसका, उसको अच्छे से गर्म होगा, फिर उसके बाद में वो फिक्स होता है, तो वो सारा मैंने आपको समझाना है। अब ये देखो ये फिक्स, अब ये रेड गर्म हो रहा है, अब पूरा गर्म हो गया। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो वो देखो एकदम से रेड बन गया, वो रेड मींस वो अच्छे से गर्म हो गया, एक्सपेंशन हो गई, वो खुल गया उसका पार्ट। अब ठीक है, अब जब ये गर्म हो गया अच्छे से, तो इसको हमने वुड, अब कैसे हैमर बनता हमारा, हमारे इक्विपमेंट्स कैसे बनते हैं, वुड के साथ कैसे अटैच करते हैं, हमने वो देखते हैं। वो देखो हमारा वुडन पीस हमारा राइट साइड पे पड़ा है, तो अब ये जब गर्म हो गया एकदम अच्छे से, रेड हॉट हो गया, तो हम इसको उस पर फिक्स करेंगे। ये देखो इसमें फिक्स हो गया, तो अभी थोड़ा लूज है ना, अब इसको टाइम लगने दो, ठंडा होने दो।
जब ये एकदम से ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो रूम जाएगा, टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो ये अपने आप उसके साथ फिक्स हो जाएगा, और ये ऐसे फिक्स होगा जो आपका निकल नहीं पाएगा। जैसे आप मार्केट में देखते हो ना, हैमर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये वैसा बन जाएगा। ऐसे ही बच्चे आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने अगर उसमें, जैसे आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में व्हील की एग्जांपल है, या और भी जितने हमारे एक्स हैं, सॉ है, वो सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही बनते हैं। जब हमारे को हमें वुड पीस को आयरन पीस के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, मेटल के साथ कैसे जोड़ते हैं, उसको पहले गर्म करके वो एक्सपैंड हो जाता है, वो ठंडा होने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बीच में हम फिक्स कर देते हैं। नॉर्मली इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जो आप मेटल का पीस लगाओगे वो पहले थोड़ा छोटा साइज का होता है, क्योंकि वो उसने एक्सपैंड होना है गर्म होके, फिर बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसलिए पहले ही बड़े साइज का नहीं लेते हम, थोड़ा सा छोटा साइज लेते हैं। ओके, ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स बनते हैं। सो ये था बेटा, हमने डिस्कस किया कि कैसे हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही डिस्कस करना था। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।